हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो आई वांट टू शो यू हाउ टू सॉल्व ए क्वेश्चन एट हैकर रैंक इन जावा लैंग्वेज। जावा लैंग्वेज में हैकर रैंक पे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, तो हमारे यहाँ क्वेश्चन है जावा लूप पे, उसको कैसे सॉल्व करना है वो इस वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, क्लिक करने बाद एक नया इंटरफेस खुलेगा जिसमें क्वेश्चन मिलेगा कैसे करना है। ऐसा देख रहे हैं इंटरफेस खुल गया हमारा, इसमें टास्क दिया गया कि गिवन एन इंटीजर एन, प्रिंट इट्स फर्स्ट 10 मल्टीपल ईच मल्टीपल एन क्रॉस आई, वेयर आई इज जो हमारा है क्या होना चाहिए, एक से बड़ा होना चाहिए और एक 10 से छोटा होना चाहिए। ठीक, उसके बाद यहाँ पर दिया एन क्रॉस आई रिजल्ट प्रिंट करना है आपको। ठीक, यहाँ पर दिया इनपुट में दिया हमको यूजर, यूजर खुद डालेगा एन। ठीक, उसके बाद क्या करना, जो एन का मान होना चाहिए वो 2 से बड़ा और 20 से छोटा होना चाहिए, ये भी कंडीशन इसमें दिया है। फिर यहाँ पर दिया एन क्रॉस आई रिजल्ट, मान लीजिए अगर पोजर इनपुट में हमको यूजर डाल दिया 2, ठीक, आपको आउटपुट में क्या प्रिंट करना है, आपको प्रिंट करना है 2 से लेकर के 10 तक। यहाँ पर इसका प्रिंट का प्रिंट आउट दे देना है, मतलब टेबल प्रिंट कर देना है। आप देख रहे हैं 2 क्रॉस 1 इज इक्वल 2, 2 क्रॉस 2 इज इक्वल 4 और 2 क्रॉस 10 इज इक्वल 20। इस तरह से आपको क्वेश्चन क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पहला कंडीशन यह है कि आई का मान 1 से लेकर 10 तक होना चाहिए, मतलब 1 से बड़ा होना चाहिए, 10 के बराबर या 10 से छोटा होना चाहिए, और एन का मान क्या, 2 से बड़ा या 2 के बराबर और 20 से छोटा और 20 से बराबर होना चाहिए, इतना आपको बनाना कंडीशन। तो मैं यहाँ सबसे पहले एक स्कैनर बनाऊंगा। स्कैनर किस लिए, क्योंकि यूजर इसमें डालेगा इनपुट, हमको इनपुट नहीं डालना है इसमें। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, एक बनाऊंगा यहाँ पर स्कैनर। ठीक है, स्कैनर बना के मैं कहा कि यहाँ डायरेक्ट इसको स्कैनर, और इसको भी कहा कि मैंने यहाँ पे न्यू स्कैनर, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट करना पड़ता है उसमें। तो यहाँ पर डालेंगे आप सिस्टम, ठीक, यहाँ पर डालेंगे सिस्टम डॉट इन। ओके, सिस्टम डॉट इन करेंगे, ये हमारा काम, ये हमारा स्कैनर बन गया। ठीक, स्कैनर बनाने के बाद क्या करना है, यूजर क्या डालेगा, यूजर हमको डालेगा इनपुट, इनपुट में क्या डालेगा, इंटीजर डालेगा। तो मैं क्या करूँगा, एक इंट बनाऊंगा जो कि एन होगा, क्योंकि एन का मान कितना होना चाहिए, 2 से लेकर 20 तक होना चाहिए, इसलिए हमको इंटीजर बनाना है, क्योंकि यूजर क्या डालेगा, इंटीजर डालेगा। इंट एन इज इक्वल टू, मैं क्या करूँगा, एन इज इक्वल टू स्कैनर, स्कैनर डॉट नेक्स्ट इन कर दूंगा। ओके, ये हमारा हो गया, मतलब यूजर ने इनपुट यहाँ पर डाल दिया, इसका मतलब इसका कोड यही है। फिर हमको आएंगे नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या कंडीशन ये है हमको कि यहाँ पर दिया है कि एन का मान 2 से बड़ा और 20 से छोटा होना चाहिए, इसके लिए मैं इफ कंडीशन लगाऊंगा यहाँ पे। तो मैं यहाँ पर आया इफ, और यहाँ पर क्या किया मैंने, कंडीशन लगाया कि जो एन है हमारा, एन का मान कितना होना चाहिए, इक्वल टू 2, मतलब 2 से बड़ा होना चाहिए, और या क्या हो सकता है, दूसरा कंडीशन यह है कि 20 से छोटा होना चाहिए। तो ये एन का मान कितना होना चाहिए, 20 के बराबर या 20 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो हमारा एक कंडीशन ये भी हमारा क्या हो गया, लागू हो गया। अब तीसरा कंडीशन ये हमारा दिया कि एन क्रॉस आई में इसको प्रिंट भी करना है, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसके लिए आपको फॉर लूप का प्रयोग करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे आऊँगा और फॉर लूप का प्रयोग करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, फिर मैं एक इंटीजर बनाऊँगा, कहाँ से कहाँ तक जाना हमको, आई एन का जो मान होना चाहिए, आई का मान कितना होना चाहिए, आई 1 से शुरू होना चाहिए। तो इंट बराबर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इंट आई इज इक्वल टू, मैं क्या करूँगा 1 कर दूँगा। ठीक, लूप में फिर बोला है तुम कहाँ तक होना चाहिए, आई का मान 10 तक जाना चाहिए या 10 के बराबर होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, आई लूँगा और यहाँ पर क्या करूँगा, इज इक्वल टू 10 कर दूँगा। ओके, मेरा ये भी कंडीशन हो गया। फिर मैं क्या करूँगा, जानते हैं लूप में आपको 3 पैरामीटर पास करना पड़ता है। इसको करने के बाद क्या करेंगे आप, यहाँ पे आने के बाद इस लूप के अंदर मुझे क्या करना है, हमको प्रिंट आउट भी करना है। क्या प्रिंट आउट करना है, ए वाला प्रिंट करना है, 2 क्रॉस 10 इज इक्वल टू 20। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट का प्रयोग करूँगा। तो यहाँ पे आऊँगा मैं, यहाँ पे डायरेक्ट साउट का प्रयोग करूँगा, यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, यहाँ पे आऊँगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। यहाँ पर देखिए आरडी हमको दे दिया यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, तो हमको यहाँ प्रिंट एलन। ओके, यहाँ पे आने के बाद क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ तक आपका काम हो गया। अब आपको क्या करना है, इसको इसी क्रम में प्रिंट करना है जिस क्रम में दिया है। तो पर 2 2 क्रॉस 2, मतलब यहाँ पे देख रहे हैं 2 बार यहाँ पे आया, इसका मतलब क्या है, यह एन है, मतलब इसका मतलब हमको यहाँ पर क्या लिखना होगा, एन लिखना होगा। ठीक, प्लस करना होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसको कंक्रेंट करना है, स्ट्रिंग कंक्रेंट करना है यहाँ पे। फिर मैं क्या करना है, यहाँ पे क्रॉस का चिन्ह देख रहे हैं, उनको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस का चिन्ह करना पड़ेगा। ठीक, और पाती पार क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देख रहे बीच में गैप है, यहाँ भी गैप है और यहाँ भी बीच में गैप है, इसलिए जो क्रॉस है इसके बीच में आपको गैप भी करना होगा, इधर भी और इधर भी, वरना एरर मिलने के बाद में जब करेंगे। फिर हमको प्लस प्रयोग करेंगे, फिर हमको प्रयोग किसका मिला, 1 2 3 4 लेकर 10 तक है, मतलब ये क्या है, किसका वैल्यू है, आई का मान है, 1 से लेकर 10 तक किसका मान है, आई का मान है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, आई को लिख दूंगा। ओके, उसके बाद क्या करना हमको, उसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे बराबर का भी प्रयोग करना है। देख रहे हैं यहाँ बराबर, यहाँ पे इज इक्वल टू हर जगह है। तो यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं
देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पे प्लस के बाद क्या करना है हमको, यहाँ पे इस इक्वल टू का प्रयोग करना है। इसमें भी देख रहे हैं बीच में दोनों गैप है, यहाँ भी गैप है और यहाँ भी गैप है, ठीक है। इसलिए दोनों पर आपको क्या करना है, थोड़ा सा स्पेस यहाँ भी इधर कर देना है, इधर भी कर देना है, नहीं करेंगे तो बाद में एरर मिलेगा, ठीक। दूसरा कंडीशन नंबर क्या है, यहाँ पे आएंगे प्लस लगाएंगे, अब क्या करना हमको यहाँ पे 2x2, अब यहाँ पे देख रहे हैं 2x2 4, यहाँ पे देख रहे हैं कि 2x1 है, यहाँ पे 2x2 है, यहाँ पे 2x3 है, यहाँ पे मतलब यहाँ पे क्या है, इसका मतलब एन क्रॉस आई है, इसमें एन क्रॉस I1 एन क्रॉस I2 इस तरह से बना हुआ है, ठीक है। तब यहाँ पे आएंगे हम और जो एन है एन को क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे किससे, एन को क्रॉस करेंगे हम किससे, स्टार से, और यहाँ पे आई से यहाँ प्रयोग कर देंगे, बस हमारा काम यहाँ पे कोड हो गया। अब वो क्या करना है, इसको रन करना है, देखिए क्या होता है, इसका आउटपुट कैसा मिलता है वो देखते हैं। आप देख रहे हैं इसका आउटपुट मिलेगा भी नीचे हमको, देखिए हम इसका आउटपुट हमको मिल गया पूरी तरह से, जो हमारा ये इनपुट डाला उसने दो, हमको क्या मिल गया, इस जो हमारा मिला है आंसर वो भी हमको एक्सपेक्टेड यही किया गया था। अब मुझे क्या करना है, इसको प्रिंट, इसको प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रहे यदि आपने बीच में यहाँ पर गैप नहीं किया होता, अगर यहाँ पे इसे करके मैं रन कर रहा हूँ, देखिए एरर मिलेगा हमको, अभी मैं इसको कोड रन कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर थोड़ा सा किया हूँ खाली हटाने के लिए, देखिए हमको एरर मिलेगा, सही नहीं मिलेगा इसका, देख रहे हैं एरर मिल गया, क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं ये जो हमारा आउटपुट ऐसे आया है बीच में और इसका क्या ऐसे आया है, तो इसे साथ ना करें तो बेहतर है, क्योंकि इस तरह से आपको एरर मिल जाएगा अगर गैप नहीं करेंगे तो। अब इस कोड को फिर रन कर रहा हूँ क्योंकि मुझे सबमिट भी करना है, ठीक। तो मैंने इसको रन किया, देखिए हमारा रन करके हमारा पूरी तरह से प्रोग्राम बना है और पूरी तरह से मतलब ट्रू है। अब मुझे क्या करना है, इसको सबमिट भी करना होता है, देखते हैं क्या होता है। सबमिट करने पर स्टार्टिंग टेस्ट कर रहा है, यहाँ पर मेरा क्या होगा, पूरी तरह से सक्सेस हो गया, देख रहे हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।